ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हो चुकी थी 1.5 महीने पहले, और लिटरली जो इंजीनियरिंग प्रेशर है वो पहली बार फील हुआ। बहुत सारे टेस्ट हुए, क्लास टेस्ट, ट्यूटोरियल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, लैब टेस्ट, मेजर, माइनर, एक्सटर्नल, वाइवा, लैब वाइवा, और फिर लास्ट में जो फाइनल एग्जाम्स होता है वो हुआ। इसमें 1.5 महीने निकल गए, प्लस हर रात में एक एक असाइनमेंट लिख रहे हैं, और लास्ट के 10-12 दिन तो भाई एकदम ही अजीब सा, पता नहीं कौन से फेज में चले गए थे। कुछ खा पी नहीं रहे थे, सब लोग सिर्फ 1-2 घंटा सो रहे थे, तो यार 10-12 दिन में लगभग लोगों ने सिर्फ 12-14 घंटा सोया होगा। बट अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारे भाई ने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज किया, सारे एग्जाम अच्छे चले गए हैं, तो यार अब ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एग्जाम खत्म हो गए तो वीडियो बना रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 गेमिंग परफॉर्मेंस हैक्स। ये कुछ हैक्स आपको पता होंगे बट कुछ हैक्स आपको नहीं पता होंगे, और मैंने भी इन हैक्स को मतलब यूज़ करते करते सीखा है मेरे गेमिंग लैपटॉप में। मुझे लगता था ये इससे क्या ही हो जाएगा इस वाले सेटिंग से, बट नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस वाले वीडियो में हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो यार हैक नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो मॉनिटर है, जो लैपटॉप का स्क्रीन है, वो एक हायर रिफ्रेश रेट का होगा, लाइक 60Hz के अबाव होगा। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में हायर रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो अगर आपके पास 120 या फिर 144Hz का रिफ्रेश रेट वाला लैपटॉप है, या फिर उससे ज़्यादा है, लाइक 60Hz से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जब आप बिना लैपटॉप को चार्ज में लगाए गेमिंग करते हो, तब आप 60Hz पे शिफ्ट कर जाओ, बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ सेफ होती है। अगर आप लैपटॉप को चार्ज में लगा के खेल रहे हो, तब तो आप भले 120Hz या फिर जो भी मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है वहाँ पर आप खेल सकते हो, बट अगर आप लैपटॉप को चार्ज में लगा के नहीं खेल रहे हो, तो डेफिनेटली यार जो लोअर रिफ्रेश रेट है वहाँ पर आप शिफ्ट कर जाओ। आपको परफॉर्मेंस थोड़ा कम ज़्यादा देखने मिलेगा, बट स्टिल यार बैटरी लाइफ अच्छी देखने मिलेगी, बैटरी आपका ज़्यादा सेव होगा। लाइक अगर आप हायर रिफ्रेश रेट पे खेलते हो लैपटॉप को बिना चार्ज में लगाए, और आपको 3 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है या फिर 2 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, तो आप ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो या फिर 1.5 टाइम्स कर सकते हो। लाइक 2 घंटे का आपको 4 घंटे बैटरी लाइफ देखने मिलेगा अगर आप लैपटॉप को 60Hz पे रख के खेलोगे बिना चार्ज में लगाए हुए। तो अगर मामा के घर पे गए हो गर्मी की छुट्टियों में, या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो जहां पर चार्जिंग कंडीशन नहीं है, लैपटॉप को आप चार्ज नहीं कर सकते ट्रेन में, बस में, तो यार वहां पर आप लैपटॉप में अगर गेम खेलना चाहते हो तो स्लोअर मतलब लोअर रिफ्रेश रेट पे आप खेल सकते हो, तो आपको ज्यादा बैटरी लाइफ देखने मिलेगा, बैटरी सेव होगी, और ये बहुत ही एक अच्छा हैक है। और सेकंड हैक जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने काफी दफा कहा भी है ये, आप जितने भी एंटीवायरस है प्लीज उसको अनइंस्टॉल कर दो, वो बहुत ज्यादा सरदर्द है, बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी गेम ज्यादा खेलते हो, थर्ड पार्टी गेम ज्यादा डाउनलोड करते हो, क्रैक गेम को ज्यादा डाउनलोड करते हो, तो पहली बात तो आपका एंटीवायरस आपको डाउनलोड करने देगा नहीं, कुछ फाइलें डिलीट कर देगा, उस वजह से आपका जो गेम है वो क्रैश हो जाता है, आपका गेम ढंग से चल नहीं पाता है। तो आप सोचते हो कि यार मैंने 2 घंटा लगाया था गेम को डाउनलोड करने में और वो सारा बर्बाद हो गया है, तो यार वो एंटीवायरस की वजह से होता है। एंटीवायरस बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी खाता है, ये भी एक रीज़न है, और कुछ कुछ फाइल्स है गेम्स की वो डिलीट कर देता है अगर आप थर्ड पार्टी या फिर क्रैक गेम को डाउनलोड करते हो। तो प्लीज़ अनइंस्टॉल करो आप किसी भी एंटीवायरस को, एंटीवायरस का कंप्यूटर में कोई नीड नहीं है, नॉर्मल पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी नीड नहीं है एंटीवायरस का, लाइक मैकैफे है या फिर नॉर्टन है, सारी चीज़ों को आप अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपको यूज़ ही करना है तो आप विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर यूज कर सकते हो, जो इनबिल्ट आपको देखने मिल जाता है, वो काफी तगड़ा है, मतलब सारे जितने भी नॉर्मल लोगों के लिए इनफ है वो। अगर आपको हायर वर्जन वाला यूज करना है तो आप मालवेयर बाइट्स को यूज कर सकते हो, वो भी काफी तगड़ा एंटीवायरस है। बट इन दो के अलावा मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता नॉर्मल पर्सन को कि आप एक एंटीवायरस को यूज करो, आपके लैपटॉप में कोई ऐसा बड़ा अटैक नहीं हो जाएगा, आप नॉर्मली यूज कर सकते हो लैपटॉप को बिना किसी दिक्कत के। तो प्लीज अनइंस्टॉल करो एंटीवायरस को और गेमिंग का मजा अच्छे से लो, सारे गेम्स को आप जो डाउनलोड कर पा रहे हो एटलीस्ट 4-5 घंटे लगाकर उनको आप खेल पाओगे, यही बहुत बड़ी बात है। और थर्ड हैक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप को परचेस कर रहे हो तो प्लीज उसका रैम आप चेक कर लो। रैम की कैपेसिटी सारे लोग चेक कर लेते हैं 8GB 16GB, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कोई चेक नहीं करता। मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा है कि जो 80,000 पे लैपटॉप बिक रहे हैं उनमें जो रैम की फ्रीक्वेंसी है वो 2777 MHz की है। यार इवन 50,000 वाला जो लैपटॉप आ रहा है आजकल गेमिंग लैपटॉप, वहाँ पर आपको 3200 MHz का रैम देखने मिल जाता है। तो यार जब 70,000-80,000 पे करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3200 MHz या फिर उससे अच्छा रैम हमें देखने मिले। मेरा जो ये लैपटॉप है MSI GF 63 ये मैंने 55,000 का परचेस किया था, इसमें 2777 MHz का रैम है। जब मैं इसे कंपेयर करता हूँ सेम स्पेक्स के लैपटॉप के साथ में, तो इसका जो रैम परफॉर्मेंस है थोड़ा सा कम है, और गेमिंग में ऑब्वियसली ये इफेक्ट देता है। लाइक अगर आप गेम को मिनिमाइज करके रखते हो काफी देर तक, तो यार ये किल कर देता है गेम को, तो डेफिनेटली वहां पर आपको इफेक्ट देखने मिल जाता है। तो प्लीज अगर आप लैपटॉप को परचेस कर रहे हो तो आप एक बार रैम चेक कर लो, और अगर आपको अच्छी डील देखने मिल रही है, लाइक असूस का टफ सीरीज है जहां पर आपको 65-68,000 में गेमिंग लैपटॉप देखने मिलता है, वहां पर आपको रैम 3200 MHz की नहीं देखने मिलती, वहां पर आपको रैम 2777 MHz की देखने मिलती है, बट वो डील अच्छा है,
तो यार वहाँ पर आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस लैपटॉप को छोड़ दो, बट यार जहाँ पर डील भी खराब है और रैम भी उतनी अच्छी नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बट हाँ, जहाँ पर डील अच्छी है तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो और फ्यूचर में आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हैक मैं आपको बताता हूँ, जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप्स, भले दोनों में सेम प्रोसेसर क्यों ना लगाओ। बट वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस पाने के लिए आपको कुछ कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, थोड़े से सेटिंग्स को कॉन्फिगर करना पड़ता है। तो आप पहले तो लैपटॉप को, गेमिंग लैपटॉप को चार्ज में लगा के गेमिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट देखने मिलेगा। और प्लस आपके लैपटॉप का जो मैक्सिमम रिसोर्सेस है आपको उसको यूटिलाइज करना है। लाइक हर गेमिंग लैपटॉप में, हर गेमिंग लैपटॉप की कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होता है। लाइक MSI में MSI ड्रैगन सेंटर देखने मिल जाता है, HP में आपको ओमेन का गेमिंग क्लब देखने मिल जाता है, ASUS में भी ऐसे गेमिंग सेंटर बहुत सारी चीज़ें हैं। सारे लैपटॉप के कंपनीज, जितने भी गेमिंग लैपटॉप के कंपनीज हैं, वो आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, उनका खुद का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपको उस सॉफ्टवेयर में जाना है और मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। लाइक फैन स्पीड आपका ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जो परफॉर्मेंस मोड है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, आप टर्बो मोड पे यूज़ कर सकते हो। और जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, लाइक आप ओवरक्लॉक कर सकते हो प्रोसेसर को या फिर ग्राफिक प्रोसेसर को, GPU को या फिर CPU को, आप उनको भी ओवरक्लॉक करके और भी ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो रिसोर्सेज को, और वहाँ पर आपको डेफिनेटली काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा गेमिंग का। ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होती हैं, इन सेटिंग्स को ज़रूर आप मॉडिफाई करो, बहुत ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस का बूस्ट आपको देखने मिलेगा। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए, और अब से ट्राई करूंगा कि रेगुलरली वीडियो आती रहे, क्योंकि यार एग्जाम खत्म हो चुका है और ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हुआ था तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, बट अब सारी चीजें सॉर्टेड है। कल हम ट्रैवल कर रहे हैं घर पे, क्योंकि यार हॉस्टल से भगाया जा रहा है, एग्जाम खत्म हो गया है तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो वहां पर आपको रेगुलरली वीडियो आती रहेंगी, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपका कुछ सवाल है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां पर कम्युनिकेट करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। और हम आगे आने वाली वीडियो में ऑब्वियसली और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।